अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, ये हमारी फ़र्स्ट सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बच्चों ने तैयार कर ली है। फातिमा के पराठे, ये कल वाला आलू बैंगन का सालन, अंडे, लस्सी, दही, मेरी चाय और ये पानी वगैरह। तो बच्चे खुद ब खुद उठ गए थे और इन्होंने बना कर टेबल पे लगा कर तो फिर हमें बुलाया। अब आज का अल्लाह खैर का रोज़ा शुरू करें और खैरियत से हम सारे रमज़ान गुजारें। तो रमज़ान रेजोल्यूशंस आपसे हमने डिस्कस करनी थी कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान को खालस नीयत के साथ और प्योरिटी के साथ, जिसमें हम अपनी फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल और फिनेंशियल प्योरिटी, जो रमज़ान का रूल है, करते हैं। अल्लाह ने रमज़ान इसीलिए बनाया है। फ़िज़िकल प्योरिटी में हमारे जिस्म के जिन अज़ा को रेस्ट की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला ये महीना हमें देता है कि उनको रेस्ट मिल जाए और जिस्म की ज़कात निकल जाए और हमारे जिस्म के लिए रोज़ा ऐसे ही अहमियत रखता है जैसे हम जो हेल्दी पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, वो जिस्म के डेड पार्ट्स को खा लेते हैं। एंटी कैंसरस होता है रोज़ा। और ये हमारी हलीमा बैठी हुई है और ये हमारे अली साहब बैठे हुए हैं, सारे फुल एक्टिव हैं माशाल्लाह। आज ये भी सैरी कर रहे हैं। क्यों अली, कैसा लग रहा है पहला रोज़ा? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है उठ के? अच्छा हलीमा आपको जी। और हम वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वेट लॉस के लिए, और इसकी नियत अगर हम फास्टिंग की रखते हैं और फिर उसमें रोज़े की नियत नहीं रखते ना, तो वो सवाब उस तरह से नहीं मिलता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ लाइक कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मौका दिया होता है कि हम कुछ घंटे भूखे रहें, हमारी बॉडी को रेस्ट मिले। ये शुगर के लिए और वेट लॉस के लिए, फैट बर्न के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो रमज़ान का महीना है, यह हमें सिखाता है कि हमने दूसरों के हेल्प कैसे करनी है, और यह हमारी फाइनेंशियल जो होती है ना प्योरिफिकेशन, वो ज़कात के ज़रिए से करता है। तो जो ये महीना है बहुत ही बरकतों वाला महीना है। तो इसमें एक दुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात 27 टाइम्स पर डे आप पढ़ें। और ये दुआ इतनी इफ़ेक्टिव है कि जो जहाँ से मैंने सुनी है, जहाँ से मुझे पता चली है, कि ये आपके लिए दराजी उम्र के लिए, कुशादगी रिस्क के लिए और आपके लिए दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत अहम है। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। या अल्लाह मुझे मेरे वालदैन को बख्श दे, तमाम मोमिनात को बख्श दे, तमाम मुस्लिम और मुसलमानों को बख्श दे। तो अल्लाह पाक हमें ये रमज़ान जैसे वो चाहता है उस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी रमज़ान रेजोल्यूशंस यही हैं कि या अल्लाह हमारे हाथ पांव कान नाक हर चीज़ का रोज़ा तेरी रज़ा के मुताबिक मुकम्मल हो जाए। हम हर हराम काम जिसमें हमारा गुस्सा भी शामिल है उससे दूर रहें, और दूसरों के लिए सोचें, दूसरों की मदद करें और अपने लिए इस रमज़ान को जन्नत का ज़रिया बनाएं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।